संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती शहर के विभिन्न हिस्सों में धूमधाम से मनाई गई। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी SC मोर्चा के तत्वाधान में बुधवार को डॉक्टर्स लेन स्थित पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के आवासीय कार्यालय में मोर्चा के महामंत्री प्रकाश दास के नेतृत्व में बाबा साहेब को नमन किया गया। यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत मोर्चा के सभी नेता कार्यकर्ताओं द्वारा बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देकर की गई। मौके पर उपस्थित तमाम भाजपाइयों ने बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी ने कहा कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ और सफल लोकतंत्र का निर्माण कर बाबा साहेब ने सभी देशवासियों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। देश और संविधान के प्रति उनके योगदान को देश कभी भुला नहीं सकेगा। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवनी और उनके योगदान पर प्रकाश डाला। मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा, संजय सिंह, सोमर मरांडी, अजय पाठक, अमित पासी, रिंकू रजक आदि कई लोग उपस्थित थे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। 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 संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि हर वर्ष की भांति अपने अपने कार्यालयों में बाबा साहेब भीमराव जयंती धूमधाम से मनाया जाए। पहले ये जयंती जिला मुख्यालय में हरीचक स्थित जिला कार्यालय में आयोजित करने का कार्यक्रम था, लेकिन चूंकि कोरोना का प्रकोप ऐसा भयानक रूप ले रहा है, साथ ही कई हमारे साथी मधुपुर उपचुनाव में अपना योगदान दे रहे हैं, इसलिए आज हमारे आवासीय कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला महामंत्री प्रकाश दास के नेतृत्व में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी गई। हम यह उम्मीद करते हैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र, सबसे मजबूत लोकतंत्र, अगर आज हम इसकी सफलता पे गर्व करते हैं तो इसमें निश्चित रूप से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का सहयोग, उनका साथ रहा है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज जो हम चल रहे हैं उनके द्वारा बनाए गए संविधान के ऊपर हम आज भारत की राजनीति चल रही है, और यह उम्मीद और अपेक्षा है आज के दिन कि भारत कई महापुरुषों की जननी रही है, यह देश रहा है। बाबा साहेब जैसे अनेक विभूतियां आने वाले समय में भारत में जन्म ले, भारत में भारत को और मजबूती प्रदान करे, भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए हम आज के दिन प्रार्थना करते हैं। और जितने भी हमारे इस समाज के अंतिम छोर में बैठे लोग हैं उनके उन्नति और तरक्की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे।